1 मार्च को होली का पर्व है। इस महापर्व के पीछे कई कहानियाँ हैं, सभी में उत्सव प्रमुख रहा है। हमारे प्यारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू उन सभी उत्सवों की महत्ता अपने भक्तों को कई बार समझा चुके हैं। होली को उत्सव, होली दंड, प्रह्लाद उत्सव, स्वास्थ्य उत्सव, कृषकोत्सव, नवनिष्ठी उत्सव, यज्ञ वसंत उत्सव, मदन उत्सव आदि नामों से प्रचलित है। प्रह्लाद भगवान के भक्त हुए, वो बोलते थे सर्वत्र वासुदेव है, उसका बाप तपस्या करके वासुदेव जैसी शक्तियां ले आया था। खेत खली बोलाना पड़े, खाली हिरण्यकश्यप यूं नजर घुमाए, बिना जोते बिना बोए खेत लहराने लगते थे, ऐसी तपस्या थी उसके पास। हिरण्यकश्यप समुद्र के तरफ जरा तीखी नजर करके संकल्प करता था तो समुद्र कूद कूद के उछल उछल के मोती और जो भी कुछ समुद्र में द्रव्य है वो दे देता था। पहाड़ पर देखता तो धरती और पहाड़ भी अपने गर्भ से सोना चांदी ये वो धातु हीरे मोती माणिक देते थे। ऐसा हिरण्यकश्यप को न ऊपर मरु न नीचे मरु न अंदर मरु न बाहर मरु न सुबह मरु न शाम मरु न अस्त्र से मरु न शस्त्र समझ लेना सब। तो मन चाहा व्यवहार करने से प्रजा त्राहिमाम पुकार गई तो भगवान की प्रसादी प्रह्लाद वहां प्रकट हुए। प्रह्लाद बेटा क्या पढ़ा? बोले बस एक ही वासुदेव सर्व के रक्षक पोषक हैं, उन्हीं की सत्ता से जीव कुछ पाता है, फिर अपने अहंकार में आकर दूसरे को कुछ नहीं मानता। क्या मतलब? जीव कौन है, अहंकार क्या है? मैं एक हिरण्यकश्यप सर्वे सर्व परमेश्वर हूं। ब्राह्मण भगवान की ना बात करते थे, यज्ञ ध्वंस करा दिए, मठ मंदिरों को सबको मैंने ताले लगवा दिए। तू क्या पढ़ के आया? दुष्ट मास्टरों ने तुझे क्या पढ़ाया? मास्टरों को बुलाया, हिदायत किया, जाओ इनको वही महिमा सुनाओ, वही पढ़ाओ जो वास्तविक सत्य है। भगवान हिरण्यकश्यप त्रिभुवन में एक ही भगवान है। प्रह्लाद ने कहा पिताश्री त्रिभुवन में एक ही भगवान है और वो सब में रम रहा है। हाँ हिरण्यकश्यप भगवान है, सब में रम रहा है। नहीं पिताश्री, उसको वासुदेव कहते हैं, नारायण कहते हैं। वो आपका हमारा पेड़ पौधों का प्राणी मात्र का अंतर आत्मा है और वही भगवान अनेक रूप लेकर दिखाई देता है। बंद करो बात, मैं ही भगवान अनेक रूप में हूं। नादान बच्चा है पिताश्री, अब तू सुधर गया, समझ गया पिताश्री? फूलों में महक उसी परमेश्वर की है और चंदा में चांदनी वही बरसाता है। माँ की जेर के साथ बेटे की नाभि जोड़ने वाला वही अंतर्यामी प्रभु है जिसने मेरी कयादू माँ के साथ नाभि जोड़ी और आपकी माँ के साथ आपकी नाभि जोड़ी। कौन बोलता है मेरे सिवा कोई भगवान? कुल मिलाकर हिरण्यकश्यप से दबाना चाहे और वो सत्य की बात कह दे, आखिर बाप बेटे में ठन गई। बेटा बाप को विरोधी नहीं मानता लेकिन बाप बेटे को अपना शत्रु मानता है। पर्वतों से ठिकवाया लेकिन सर्वत्र वासुदेव है तो वो सत्ता उनकी रक्षा कर लेती। समुद्र में फेंकवाया, ऊपर से पेड़ पौधे राक्षसों ने दबा दिया, समुद्र की जोरों की लहराई वो सब हट गया और प्रह्लाद हेम खेम किनारे आ गया।
ये क्या पता इसके पास क्या जादू है। अपनी बहन होलिका को तैयार किया कि तुझे वरदान है कि आग तुझे नहीं जलाएगी। इस प्रहलाद को लेकर तू लकड़ी के ढेर पर बैठ जाना, चारों तरफ से आग लगाएंगे मेरे दैत्य, और भभुक भभुक आग में ये जल जाएगा छोरा, और तुझे तो कोई जलाएगा ही नहीं आग। फागुनी पूर्णिमा के दिन ये आयोजन किया प्रहलाद की हत्या करने के लिए। वो हत्यारी होलिका बैठ गई आग के बीच, जिसको आग जला न सके ऐसा वरदान था, लेकिन इरादा बद्दा होने से उसका वरदान विफल हो गया, और प्रहलाद की वासुदेवमय दृष्टि से प्रहलाद हेम खेम बाहर प्रकट होकर दिखाया होली को उत्सव। होली का त्योहार आते ही बाजार तरह तरह के रंगों से भरा पड़ा होता है, लेकिन होली के बाद समस्याओं का भी अंबार दिखाई देता है। ऐसे में हम सबको किस तरह के रंगों के साथ होली खेलनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन हमारे प्यारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू ने इन सभी समस्याओं का हल भी ढूंढ निकाला। हमारे ऋषियों ने होली खेलने के लिए पलाश के फूल, गेंदे के फूल, मेहंदी और आंवले के पाउडर आदि से बने हुए रंगों से होली शुरू की थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसमें जहर घोल दिया। जैसे काला रंग, आंवले के पाउडर को पानी में भिगा दो, लोहे के बर्तन में सुबह काला रंग तैयार, होली खेलो, जिसको भी लगे उसको भी फायदा, आपको भी फायदा। लेकिन काला रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी की बीमारी देता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आँखों को जलन, सूजन, अस्थायी अंधत्व और आँखों की एनर्जी को नुकसान करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू जो चर्म रोग, लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड जो त्वचा का कैंसर देता है, बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो अस्थमा, दम्मे की बीमारी और एलर्जी देता है। एक भी अंग्रेजी रंग बिना बीमारी का नहीं है। तो आप लोग होली के दिनों में पलाश के फूलों के रंग से होली खेलना, ये बीमारी देने वाला रंग अपने भाई बहनों को पड़ोसियों को नहीं छाटना। काला रंग बनाना हो तो आंवले के चूर्ण को लोहे के बर्तन में रात को भिगा दो, सुबह काला रंग तैयार। हरा रंग सूखा बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी है, मेहंदी का पाउडर में आटे का मिश्रण करो, हरा रंग तैयार। भूरा रंग बनाना है तो बालों के लिए लाभदायक है, मेहंदी में आंवले का पाउडर मिला दो, भूरा रंग तैयार। सूखा पीला रंग बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी, आमलतास के पत्ते और गेंदे के फूल, सूखा रंग बन जाए पीला। लाल रंग बनाना है तो लाल चंदन और गुल्लड़ के फूल मिश्रण करो, लाल रंग मिल गया।